So I'm going to now introduce our next speaker. It will be Professor Ratan Lal. Now, Professor Ratan Lal is another distinguished and eminent personality. He is a professor at Hindu College. And we have seen all his posts on Ambedkar Nama YouTube channel. And those of us who have the privilege and honor to listen to those are greatly inspired to do something. Some very powerful messages come out of Ambedkar Nama. And it is my distinguished privilege to invite Professor Ratan Lal to address you. And then after that, we will hear from Ms. Thinmoy Sundararajan from the USA. So over to Professor Ratan Lal ji. Please deliver your message. Shukriya, thank you. I am still recovering from COVID. So weakness hai, lekin thodi din baat zarur rakhunga. अम्बेडकर वाद क्या है? तो मैं एकेडमिशियन होने के साथ साथ एक्टिविस्ट भी हूँ और भारत भर में लगातार घुमा हूँ। तो जैसे एक ब्लाइंड आदमी को जिसको पता नहीं हाथी कैसा होता है, तो हाथी का जो पोर्शन पकड़ेगा उसको हाथी वैसा ही दिखेगा। अम्बेडकर वाद की यही स्थिति भारत में है कि सब कह रहे हैं अम्बेडकर वादी। मैं कहता हूं मैं अम्बेडकरिज्म का छात्र हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन। I have been trying to read Ambedkar. तो मैंने कुछ पढ़े लिखे लोगों से भी पूछा, बड़े renowned professor से भी पूछा कि अम्बेडकर वाद क्या है। तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर वाद 22 प्रतिज्ञा है। तो सवाल मैंने किया कि अम्बेडकर वाद अगर 22 प्रतिज्ञा है तो 40 साल अम्बेडकर घास काट रहे थे क्या? क्या कर रहे थे 40 साल? कि मेरे हिसाब से जो भीमराव से बाबा साहब बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक अम्बेडकर वाद नहीं समझ में आएगा। ये पूरा क्लैरिटी रखना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं कह रहा हूं। और एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, उनके पैराडॉक्सेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, एक संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में एक इंडिविजुअल स्टेट्समैन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर देखेंगे मोटा मोटी तो मैं अम्बेडकर नामा चला रहा हूँ यूट्यूब चैनल और उसमें पेज नंबर रेफरेंस वॉल्यूम नंबर के साथ मैं सारी बातें रख रहा हूँ। बगैर रेफरेंस के इतिहास का छात्र कोई बात नहीं करता कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा था, क्या कहा था, किस संदर्भ में कहा था, कैसे महारों ने भी उनका विरोध किया, कई चमारों ने भी उनका विरोध किया, इनके झगड़ों को निपटाने में भी काफी समय उनका निकला। तो अब देखिए कि आखिर अम्बेडकर वाद के जो पूरी राहें हैं, जो पूरा जर्नी है, उसमें इनके कौन कौन शत्रु हैं पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तब अम्बेडकर वाद की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे कल्चरल एनिमीज हैं, हम जानते हैं कौन है जिसके खिलाफ अम्बेडकर जीवन भर लड़ते रहे, पूरी राइटिंग एंड स्पीचेज उनकी फटी हुई हैं उनके भाषणों से, उनको हम जानते हैं। लेकिन एक और शत्रु है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर खुद इंटरेस्ट एनिमी बोलते हैं, क्लास एनिमी बोलते हैं, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि मैं जब अम्बेडकर नामा डालता हूँ तो कई लोग, पढ़े लिखे लोग, उस पर मुझे पेज नंबर भी डालता हूँ, उनके घर में अम्बेडकर की किताबें भी होंगी, लेकिन कभी पलट के देखने की जरूरत नहीं महसूस करते, लेकिन मुझे गाली जरूर दे देते हैं। तो वैसे लोग जो दिन भर महाकारुणिक महापूज्य परम भट्टारक दुनिया के सबसे बड़े विद्वान जय भीम नमो बुद्धाय करते रहते हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग, सबसे बड़ी चुनौती अम्बेडकरवाद को बढ़ाने में वही लोग हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है लेकिन राजनीति में तानाशाही की ओर ले जाने वाले मार्ग है। और ऐसे लोग जो भक्ति कर रहे हैं, बेसिकली आरएसएस का एजेंडा यही लोग आगे लेके जा रहे हैं। दिन भर नमो बुद्धाय जय भीम, दिन भर महाकारुणिक परम पूज्य सब कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा था कि मुझे पूजो, मुझे ईश्वर बनाओ। अगर अम्बेडकर नामा आप वॉच करते होंगे तो उन्होंने कई भाषण उनके कोट किए हैं कि अगर आप मुझे ईश्वर बनाएंगे, गॉड बनाएंगे, तो आप अपने इंटरेस्ट की हत्या आप खुद कर लेंगे। तो अम्बेडकर नामा की या हमारी एक सामूहिक चुनौती ये भी है कि ऐसे जो छदम अम्बेडकरवादी हैं, जो दिन भर एक एक घंटा भाषण देते रहते हैं और नेट पे कुछ नहीं है, एक पैक भराना है, गाली देते रहना है, वैसे लोगों एक चुनौती है। मेरे कई साथी अमेरिका में मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझे आज कि हमारा समाज अभी इसको तैयार समझने के लिए तैयार नहीं,
तो हमने कहा कि हमारे सामने दो ही चुनौती है, या तो समाज जो कर रहा है उसको स्वीकार कर लें, अदरवाइज हम लोग पढ़ लिख के अल्टरनेटिव एजेंडा सेट करें। सो आई एम गोइंग फॉर दिस सेकंड ऑप्शन। कि समाज को तो भक्ति में 70 साल से इंजेक्शन लगा लगा के भक्ति में इतना डुबा दिया है कि अंबेडकर को भगवान और संविधान को धर्म ग्रंथ मान के सीने से लगाए घूम रहा है, जबकि संविधान के सारे पन्ने एक एक करके फाड़ दिए गए। ये इन संदर्भों को समझना जरूरी है, इसलिए आजकल मैं दूसरे मूड में हूँ। जो छदम मतलब पेज नंबर लेके आओ भाई, बाबा साहब ने कहा था, कहाँ कहा था, कब कहा था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ये सवाल नहीं उठाएंगे। उठाएंगे तो फिर रोने लगेंगे कि बाबा साहब के बारे मत बोलिए ऐसा। हमने क्यों नहीं, पेज नंबर में वही कह रहे हैं कि ये ऐसी बात है। तो एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन वी हैव टू प्रोड्यूस दिस चैलेंज बिफोर अस ऑल्सो। ये हमने बहुत सारे कुछ स्कोर बना लिए, IAS IPS मिनिस्टर बिजनेसमैन सब कुछ, लेकिन मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ इस मंच पे और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा कि हमने अभी 5 सीरियस हिस्टोरियन पैदा नहीं किए। और डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते हैं, आप सब हम जानते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह समाज गुलाम होता है। तो इतिहास जानने के लिए प्रोफेशनल हिस्टोरियन चाहिए, और हिस्टोरियन जब बात करेगा तो फुटनोट रेफरेंस के साथ बात करेगा। तो ये चुनौती है कि हमारे पास, मैं बगैर किसी संसाधन के मोबाइल फोन से अंबेडकर नामा चलाता हूँ और मुझे कोई इसका कोई गिला शिकवा नहीं है, पढ़ता हूँ और सीधा रिकॉर्ड करता हूँ, कोई एडिटर नहीं कुछ नहीं, और तमाम अपने तरीके से काम करता। सो हमें कुछ रिसर्चर्स अपॉइंट करने होंगे, अंबेडकर साहब को पढ़वाना पड़ेगा, कांशीराम को पढ़वाना पड़ेगा, तमाम ऐसे बहुजन बिना पढ़े हुए कोई क्रांति दुनिया में नहीं हुई है। डॉक्टर अंबेडकर ने कोई तोप से और बारूद से बदलाव नहीं किए थे, बुद्धि के बल पर वो काम किए थे। दुर्भाग्य की बात है कि अंबेडकर को पढ़कर और मासेस से कनेक्ट करने वाले लोग हमारे पास अभी नहीं है। कथावाचक अंबेडकरवाद के जरूर हैं, जो कथा सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, सही बात नहीं उनको बताते हैं। चलिए अब समय कम है और मैं थोड़ा सा कमजोर भी महसूस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जिक्र कर दे रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का जो पहला पब्लिश्ड आर्टिकल है वो बॉम्बे क्रॉनिकल में 1916 में छपा था, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। और उस समय फिरोज शाह मेहता के मेमोरी में वहाँ एक स्टैचू बनवाने का महानगर पालिका में पूरा डिबेट चल रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने वहां से एडिटर को चिट्ठी लिखा बॉम्बे क्रॉनिकल को, और उन्होंने लिखा कि प्रतिमा के स्थान पर, स्टैचू की जगह पब्लिक लाइब्रेरी बनाना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी। 1916, 24 वर्ष के अंबेडकर थे, और उन्होंने जो बातें कही मैं विस्तार से कह सकता था, लेकिन ये फोकस इतना ही कर देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है किसी महान आदमी की मूर्ति बनाने से बेहतर है पब्लिक लाइब्रेरी बनाया जाए। गोखले और मेहता इस देश के सपूत रहे हैं, और ये तमाम बातें उन्होंने कही थी उसमें। और वो चिट्ठी जो है, एक दो बातें और उसमें से बताता हूं कि बंबई जैसे मतलब शिक्षित जहां पे लोग हैं वहां पे एक भी लाइब्रेरी नहीं है, प्राइवेट लाइब्रेरी चल रहे हैं सबको मिला के, और फिरोज शाह मेहता मेमोरियल फंड है उसे फंड करके पब्लिक लाइब्रेरी बनाना चाहिए। आज के तारीख में अंबेडकर को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी संस्थाएं बनाई, इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की थी। उन्होंने डिफेंस क्लास इंस्टीट्यूट बनाया था, उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था, महाबोधि सोसाइटी बनाया था, लेकिन मैं अब बड़े दुख के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने जो संस्थाएं बनाई आज उसको भी हम लोग बचा नहीं पाए, वो सारे बर्बाद हो रहे हैं। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर एक दिन एक मैं लेक्चर देकर आया। तो इसलिए मेरे लिए जयंती के मायने भक्ति भावना ईश्वर पूजा नहीं है, उनके जो बताए हुए जो एजेंडा है उसमें बहस को आगे बढ़ाना, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंस्टीट्यूशन बनाने की बार बार बात करते थे, यंग मैन ऑफ 24 years ऑफ एज एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि पब्लिक लाइब्रेरी की क्या इंपॉर्टेंस है। वो वॉल्यूम नंबर में बता देता हूँ, 17 इंग्लिश के Part 1 में जाकर देखेंगे वो आपको मिल जाएगा। दूसरा एक इंटरेस्टिंग और इनका भाषण है, और वो भाषण है इनका जन्मदिन का गोल्डन सेलिब्रेशन, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा, और उस समय वो अपनी किताब पे बहुत बिजी थे, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। और ये 26 अप्रैल 1942 को कामगार ग्राउंड में बंबई में हुआ था ये सभा, और बहुत नाराजगी के साथ उस प्रोग्राम में गए थे। लंबा भाषण है लेकिन उसके क्रक्स मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा, करीब 10,000 लोग थे वहां,
उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्मदिन पर अब और कोई फंक्शन नहीं चाहता, मैं अपने जन्मदिन पर कोई फंक्शन नहीं चाहता। इस पूरे भाषण में उन्होंने अपने जन्मदिन की बात नहीं की, सिर्फ क्रिप्स जो मिशन था कैसे उसने बिट्रे किया था अनटचेबल्स को, उस पर करारा अटैक किया, कांग्रेस पे अटैक किया, और उन्होंने आह्वान किया कि आपको ये आंदोलन, अगर हमको धोखा दिया गया तो ये आंदोलन हिंसक होगा, अहिंसक होगा, वायलेंट होगा, नॉन वायलेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, आई डोंट नो क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, लगातार आपको लड़ना। अपने जन्मदिन पर ये बातें कह रहे हैं। आज नेता लोग क्या करते हैं जन्मदिन पर, केक काटते हैं, रुपया इकट्ठा करते हैं। और एक और एग्जाम्पल देखे, मैं बात खत्म कर दूंगा। इन्होंने कहा अपने इसी भाषण में, जो कि बहुत रेलेवेंट है, जो मैंने पहला पॉइंट कहा था भक्ति भाव और वीर पूजा, उसी के बारे में कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर वीर पूजक नहीं, हीरो वर्शिप नहीं मानते, और यह भी नहीं चाहते कि उनके अनुयायी ऐसा करें, क्योंकि वे वीर पूजा की बुराइयों और देश के भीतर वीर पूजा ने जो तबाही पैदा की है उसको लेकर पूरी तरह से सचेत हूं। आप लगभग 15 वर्ष से मेरा जन्मदिन मनाते आए, मैंने कभी उसमें भाग नहीं लिया, मैं सदैव उसका विरोधी रहा हूं। अब आपने मेरी स्वर्ण जयंती मनाई है तो इसे काफी समझ लीजिए, अब आगे कोई समारोह न मनाए। अवतारवाद पर अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप अवतारवाद में फंसिए, यह एक विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव मैसेज है अवतारवाद कि यह, मैं यह नहीं चाहता कि आप अपने उद्गार के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो, आपका उद्गार आपके अपने प्रयास के माध्यम से आपके अपने हाथों होना चाहिए। अवतारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, वीर पूजा भक्ति के खिलाफ अपने जन्मदिन पे बोल रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। हो क्या रहा है कि जन्मदिन के दिन हम लोग सब वही उल्टा काम करते हैं जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर लगातार बोल रहे थे, वो बार बार मैसेज दे, वो अखबार निकालते थे। डॉक्टर अंबेडकर इतना मेहनत करके जो जनता बहिष्कृत भारत मूक नायक अखबार निकाले होंगे, उस समय पता नहीं 5,000 लोग पढ़ते होंगे। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में उसी अखबार को पढ़ के जब अंबेडकर नामा में बोलता हूं तो 10-20-50,000 लोग सुन लेते हैं। तो अंबेडकर नामा भी एक संस्था है कि जो कि मासे से कैसे कनेक्ट करना है अंबेडकर को, इस पे काम चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि बड़े से बड़े आदमी के प्रति आग्रह आदर रखना, रेस्पेक्ट रखना चाहिए, लेकिन रेस्पेक्ट की भी एक सीमा होती है, रेस्पेक्ट भक्ति में नहीं बदलना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। और एक फिर उनका बर्थडे मनाया गया था, 60 साल का हीरक जयंती, तो इस बर्थडे पे फिर उनका भाषण है, और भाषण का रेफरेंस मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में आपको मिलेगा कि मैं गौतम बुद्ध, कबीर और फूले का अनुयायी हूँ, ये वाले चैप्टर में जाकर देखिएगा। उसमें कहते हैं कि मेरा जन्म 14 अप्रैल को हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन 12 बजे रात में हुआ था ये मुझे पता है, मेरे पिताजी ने जो है रिकॉर्ड रखना उचित नहीं समझा तो मेरा रिकॉर्ड पता नहीं, ये बात कर रहे हैं। और इसमें ये उनके 60 इयर्स पूरा होने के 2 साल बाद ये प्रोग्राम हुआ था, और ये भी पूनमदेव स्टेडियम में हुआ था, लगभग 25,000 लोग थे। और इस पूरे कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो इसमें डॉक्टर 1954 का है, 28 अक्टूबर 1954 का, वो थोड़े थोड़े पैसे चंदा इकट्ठा कर रहे थे इस कार्यक्रम में भी, 60 हीरक जयंती में वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे। क्यों? अपना महल बनाने के लिए नहीं, अपना मॉल खोलने के लिए नहीं, अपना बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, बंबई में मुख्यालय सार्वजनिक भवन निर्माण करने के लिए। इसमें कई वीडियो मैं बना चुका हूं कैसे वो 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया किस तरह से इकट्ठा करते थे, ये दिलचस्प है। तो पिछले वाले भाषण में जब उन्होंने कामगार मैदान में कहा था उसमें 580 रुपया का उनको थैला भी मिला था, और ये 1954 में
तकरीबन 32,000 रुपए जुटाए गए थे। तो एक एक रुपया इकट्ठा करके डॉक्टर अंबेडकर ने भवन बनवाया, संस्थाएं बनवाई, यूनिवर्सिटीज खोले, स्कूल खोले, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया। इस अवसर पे मैं उनको इसी तरह से याद करना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर अगर कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की कल्पना करें, सेंटर्स दिल्ली में भी सेंटर्स हैं, मुझे पता है वहां क्या हो रहा है, मैं एक्सपर्ट के तौर पे वहां गया कि क्या हम अभी बहुत बढ़िया केपी सिंह साहब ने कहा है 60 मुझे ज्यादा पैसे के बारे में बहुत कमजोर हूँ, 60 बिलियन या मिलियन कहा है मुझे ध्यान नहीं है लेकिन बिलियन ही होगा। तो क्या हम सब मिलकर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को फिर पढ़ा जाए, जिस तरीके से उन्होंने एक से लेकर और ऊपर तक एमए तक अंग्रेजी मीडियम एजुकेशन की बात की थी, उस पर काम किया जाए। ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है, जो सार्वजनिक संस्थाएं थी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे, सब बेच रही है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे अब कहीं पढ़ नहीं पाएंगे, ऑनलाइन ही पढ़ पाएंगे, लेकिन संस्थाओं के, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के मायने होते हैं। क्या इस दिशा में अगर हम लोग बढ़ेंगे तो मुझे लगता है डॉक्टर अम्बेडकर के लिए यही ट्रिब्यूट होगा। शुक्रिया, थैंक यू, जय भीम। जय भीम प्रोफेसर रतनलाल जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट वेरी पावरफुल मैसेज। एंड बीइंग अ हिस्टोरियन, यू हैव रियली रिसर्च्ड योर आर्टिकल्स एंड योर रेफरेंसेस वेरी वेल, एंड वी ऑल नीड टू हीड द पावरफुल वार्निंग्स गिवन बाय डॉक्टर अम्बेडकर टू मूव अवे फ्रॉम द हीरो वर्शिप एंड बिकम एक्टिव हीरोज इन आवर ओन राइट्स टू चेंज सोसाइटी। एंड ऑफकोर्स Dr. Ambedkar's birthday is celebrated all over the world now, in whatever way, in whatever capacity that people are able to do so. And to us, this is part of a kind of a cultural revolution that was unleashed naturally by the mission and life of Dr. Ambedkar and what he has been able to achieve for our people. So it is important that we stay on the path, not only on the path of Ambedkar, but to create our own destinies with social justice, liberty, equality, and fraternity. Those are powerful messages. And this cultural revolution is continuing, and it will continue and so into the future until this justice, social justice, is able to be given to everyone. So I thank you so much, Professor Ratanlal ji, for giving these powerful messages today. So I'm going to move over to our next speaker. Can I now move over to Shri Rajratan Ambedkar ji? Please, Rajratan ji, come forward and deliver your address. I know we have been running since 3 o'clock. It's now nearly 2 hours. So please give your message. And then at the end, I will wrap up the meeting. Yeah. And so please go ahead. थैंक यू सर, थैंक यू सभी सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि एक एक अच्छी अच्छी किताब मैं पढ़ रहा हूं, तो बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को सुनकर। और आज की जो कॉन्फ्रेंस है 130th बाबा साहब अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, ये सबसे बेस्ट एनिवर्सरी मुझे ऐसी लग रही है कि हम लोग ये मना रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे विचार मुझे सुनने को मिले हैं, और ये सारा सुनकर मुझे बाबा साहब का एक स्पीच याद आ रहा था। आप सभी लोगों की जो बातें सुनी है, जो सभी लोगों ने अपने अपने मैसेज डिलीवर किए हैं, एक बाबा साहब का एक स्पीच है। आप सभी लोगों को पता होगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी मिलिट्री मैन थे, और पेशवाओं ने जब उनकी पेशवाई चली जा रही थी तो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि हम पेशवाई तो नष्ट कर रहे हैं, पेशवाओं का राज नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक मांग है कि ये जो अनटचेबल्स आप लोगों ने मिलिट्री में भर्ती कर रखे हैं, ये जो लोग आप लोगों ने मिलिट्री में लिए हैं, इनको मिलिट्री से हटा दो, इनको इनकी रिक्रूटमेंट जो है ये बंद कर दो, और ऑलरेडी जो रिक्रूट है इन्हें भी नौकरियों से निकाल दो। तो बाबा साहब के पिताजी रामजी अंबेडकर इसके खिलाफ काफी वो संघर्ष कर रहे थे, लड़े उनके खिलाफ। बाबा साहब ने भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और फिर एक बाबा साहब ने एक स्पीच दिया है इस घटना के ऊपर। बाबा साहब ने अपने लोगों को कहा कि जब हम लोगों को
ब्रिटिश राज में मिलिट्री में सर्विस करने का मौका मिला। तब ब्रिटिशरों ने एक नियम बनाया था कि मिलिट्री में जो लोग भर्ती होंगे उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन देना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा उन लोगों को। यानी 5000 सालों का जो इतिहास है भारत का, 3,500 सालों का जो इतिहास है, उसमें हम लोगों को कभी शस्त्र धारण करने का, वेपन उठाने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार मिलिट्री के उस सर्विस के वजह से हम लोगों को मिला था। बाबा साहब ने कहा कि ब्रिटिशरों ने जब हम लोगों की मिलिट्री में भर्ती करवाई उनके सर्विस के लिए हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को अधिकार मिला था वेपन उठाने का, पढ़ाई करने का, कंपलसरी एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिला था, नौकरी करने का अधिकार जिससे हमको पैसे मिल रहे थे। जब ये अधिकार हम लोगों को जब मिले और उसके बाद ये छीन लिए गए पेशवाओं के माध्यम से, ब्रिटिशरों को कन्विंस करके ये बंद करवा दिया गया, तो बाबा साहब ने कहा कि जब हमारे पास ये अधिकार थे तब हमने अपनी सिस्टम क्यों नहीं बनाई। जब हमको स्कूल में भर्ती करवाया जा रहा था, जब हमको एजुकेशन दिया जा रहा था, जब हम लोगों को नौकरियों पर रखा जा रहा था, तब हमने वो पैसों का इस्तेमाल, उस एजुकेशन का इस्तेमाल अपनी खुद की सिस्टम बनाने के लिए क्यों नहीं किया। वो स्पीच मुझे आज भी रिलेवेंट लगता है कि वही वही एग्जाम्पल हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से देखते हैं। ब्रिटिशरों ने हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए एंटर करवाया, वेपन धारण करने की परमिशन दी। उसी तरह से भारत का जो संविधान है, इसने भी हम लोगों को, जो लोग हमको पढ़ाई लिखाई करने के लिए, खुद बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठने की नौबत इस देश में उस समय आजादी के पहले थी, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले थी। कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने के बाद आज 72 इयर्स बीत चुके हैं। इन 70 इयर्स में हम लोगों को वो सिस्टम मिली, हम लोगों को एजुकेशन करने का मौका मिला, हम लोगों को नौकरियों का मौका मिला, हम लोगों ने, और वो इन तीन जनरेशन में। ये एक्चुअली अगर देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 1956 में, तो 1949 में और 1950 में लागू हुआ। एक्चुअली मैं भी कोविड से रिकवर हो रहा हूं, तो बहुत सारी यानी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो कुछ इयर्स थोड़े से आगे पीछे हो रहा है। 1950 में जब ये लागू हुआ, 1950 आज 2021 आ रहा है, तो इन 70 सालों में ये एक जनरेशन हमारी सिर्फ इसमें सर्वाइव हुई है। एक ही जनरेशन के जो पीरियड गया है उसमें हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि 100 साल पहले जो परिस्थिति हुआ करती थी। कल मेरे घर पे एक कारपेंटर आया था और वो सब ड्रिलिंग कर रहा था, और फिर जाते जाते उसने कहा कि आप मेरा नंबर ले लो, तो नंबर मैंने उसका लिया और ट्रू कॉलर पे उसका नाम आया सुरेश शर्मा करके। तो देखिए एक ऐसी, यानी ये पूरा उल्टा हो गया है, जो सब तख्त होता है ना वो उल्टा हो गया है। और वो जब वो थक गया तो वो नीचे जमीन पर बैठ गया, तो मैंने उसे कहा कि जमीन पे क्यों बैठ रहा है, ऊपर सोफे पे बैठ जा। तो जो लोग हमको जमीन पर बिठाते थे आज वो जमीन पर बैठ रहे हैं। तो ये संविधान के माध्यम से ये पूरा तख्त पलट गया है। आज हम देख रहे हैं कि खास करके मैं एम यूके का बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा उन, क्योंकि इंडिया के अंदर जो घटनाएं हो रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने लेकर जा रहे हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज बातें हो रही है, लेकिन इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फैब्रिक है इसी को नष्ट करने का काम चल रहा है, जिसके लिए डॉक्टर सतपाल ममन जी, उनकी पूरी टीम ये बहुत लगन से वहां पर संघर्ष कर रही है, आवाज उठा रही है, और हमारी कई सारे बातें वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज शुरू हो गई है। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को मिला, ये भी उसी राइट्स की तरह मैं देखता हूं कि जिन लोगों को एजुकेशन का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, पैसे कमाने का अधिकार नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमको मिला। सपोज हम लोग आज लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, कल तक तो सिर्फ हम लोकतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र की हत्या हो रही है ऐसे चिल्लाए रहे थे, लेकिन आज लोक और तंत्र दोनों की हत्या इस देश में हो रही है। कोविड का जो इन लोगों ने एक शील्ड आगे लाया है, कोविड के खंधे पर बंदूक रखकर
एमिनेंट स्कॉलर्स, एमिनेंट जो लोग लीडर्स है, उन लोगों की डेथ हो रही है. बहुत हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के माध्यम से किस तरह से इंडिया की पूरी डेमोक्रेटिक कंडीशन तहस महस हो चुकी है. तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो संविधान हम लोगों को मिला, उसके दायरे में हम लोगों को जो अधिकार मिले, ये अधिकार जब हमारे पास थे या अभी भी है, तब हम अपनी सिस्टम क्यों नहीं खड़ी कर पा रहे? क्या संविधान खत्म होने के बाद हम ये चिल्लाते रहेंगे कि हमारा संविधान खत्म हो गया, हम लोगों के अधिकार छीन लिए गए? इस राइट्स का जो पीरियड है, हम लोगों को अधिकार का जो पीरियड मिला है, इसमें हम अपनी सिस्टम क्यों नहीं खड़ी करते? हमारी एजुकेशन सिस्टम, आज हमें एजुकेशन अगर चाहिए तो हमें दूसरों के दरवाजे पर जाने की नौबत आती है. आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है, इसमें ऑक्सफोर्ड जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगी, रायन इंटरनेशनल, पोदार और पता नहीं रिलायंस, इनके स्कूल्स और कॉलेजेस आज खड़े हो रहे हैं. मैं मेरी बच्ची को जब स्कूल में डालता हूं, एवरी ईयर की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए है. क्या कोई आम आदमी ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज पाएगा? जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन स्कूलों की जमीनें इन लोगों को, अंबानी और अडानी को दी जा रही है, टाटा बिरला को दी जा रही है, और उनके स्कूल बनाए जा रहे हैं जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे आगे चलने के बाद, 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, तब हमारे बच्चे यहां कहीं नहीं होंगे. हमारे बच्चों का रिप्रेजेंटेशन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं होगा. तो क्या हम इसकी राह देखते रहेंगे कि जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी फिर हम वापस से लड़ेंगे? कितने साल हम रास्तों के ऊपर आकर आंदोलन करना है? हमारी जनरेशन 3 पीढ़ियों से हम आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम बनाने पर इस एनर्जी को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं. हमारे पैसे, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती, पिछले साल की जयंती जब लॉकडाउन में चली गई, तब एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज पब्लिश हुई कि बाबा साहब की जयंती भारत में नहीं मनाने के वजह से इंडियन इकोनॉमी को 2100 करोड़ का लॉस हुआ है. तो सोचिए, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में अंबेडकराइट्स या बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब के जयंती पर 2100 करोड़ रुपए बाबा साहब के जयंती पर खर्च करते हैं. लेकिन हमारी एक नेशनल छोड़ो, स्टेट वाइज हमारी एक यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे स्कूल्स नहीं है, हमारे कॉलेजेस नहीं है. हम आज भी बाबा साहब के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं. बाबा साहब ने 1943 में जो बनाया, क्या हम 2021 में नहीं बना सकते? हम कितने साल सिर्फ बाबा साहब का किया हुआ खाएंगे? हम कितने साल सिर्फ बाबा साहब के किए हुए काम का बेनिफिट लेंगे? हम अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन कब देंगे? सिर्फ बाबा साहब के ही कमाए हुए और किए हुए काम का ही बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं. आज हमारे पैसे हम ब्राह्मणिकल सिस्टम को देते हैं. मैंने आज कई सारी बातें यहां पर हुई, राइटिंग और स्पीचेस को लेकर हुई, सबसे ज्यादा राइटिंग और बाबा साहब अंबेडकर जी के राइटिंग और स्पीचेस का सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर कोई लेता है तो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम लेती है. मैं आरएसएस की और ये इनकी बात नहीं करूंगा, ब्राह्मणिकल सिस्टम सभी में है, आरएसएस, कांग्रेस, हमारे यहाँ पर शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, ये सारे ब्राह्मणिकल सिस्टम है. ये सारे ब्राह्मणिकल सिस्टम बाबा साहब के राइटिंग और स्पीचेस का फायदा ले रही है, लेकिन अंबेडकराइट सिर्फ बाबा साहब के जयंतियों में, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन में इसमें व्यस्त है. और इसलिए हम लोगों को अब बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस में से ढूंढना होगा कि बाबा साहब ने क्या क्या पॉलिसीज बताई है. आज आरबीआई की स्थापना हम 1 अप्रैल को आप भी मना रहे थे, सभी लोग पोस्ट कर रहे थे कि आरबीआई बाबा साहब के बुक प्रॉब्लम ऑफ रूपी पे बनी है, आरबीआई वहां बाबा साहब के विजन पे बनी है. लेकिन आरबीआई का इस्तेमाल कौन करता है? क्या बाबा साहब को फॉलो करने वाला समाज आरबीआई का बेनिफिट ले रहा है?
या ये मोदी गवर्नमेंट या जो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम है ये आरबीआई का बेनिफिट लेती है, यानी बाबा साहब के राइटिंग और स्पीचेस के, बाबा साहब के थॉट्स का बेनिफिट ब्राह्मणिकल सिस्टम के पास जाता है लेकिन हमारे पास नहीं जाता। बाबा साहब के बुक्स के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हो या उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट हो ये आरबीआई की स्थापना करती है लेकिन हमारी एक छोटी सी बैंक हम बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस पे नहीं बना पा रहे, बाबा साहब की इकोनॉमिक्स पे काम नहीं हो रहा, बाबा साहब के एजुकेशन पे नहीं हो रहा। ऐसे नहीं है कि नहीं हो रहा, इसके लिए अपवाद है। और अलग आप लोगों को सुनने के बाद मुझे लगा कि सभी स्तर पर अपना अपना काम हम लोग कर रहे हैं लेकिन हमको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। सुधीर राज सिंह जी ने कहा कि हम देखिए मुस्लिम्स लोग जब उनकी रमजान हो या ईद हो सब लोग गले मिलते हैं लेकिन हम लोगों में इतना ईगो है कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं तू कौन है और इस तरह से हम लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हम यहां पर भारत में इंडिया में लड़ रहे हैं और भारत के बाहर वहां पर मैंने खुद जब वर्ल्ड बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गया, यूनाइटेड नेशंस के बुद्धिस्ट यूनाइटेड नेशन डीवी डे ऑफ वैसाख के कॉन्फ्रेंसेस में गया, वहां मैंने देखा कि शर्मा तिवारी त्रिपाठी ये वहां पर जाकर बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहां पर लड़ रहे हैं आपस में कि तू नेशनल प्रेसिडेंट है कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं और आपस में लड़ रहे हैं उसका संगठन बेहतर है कि मेरा संगठन बेहतर है। अगर एक दूसरे को नहीं मानते तो सीधा एक दूसरे के ऊपर आरएसएस का टैग लगा देते हैं, ये आरएसएस का है, ये इसका है, ना ये फलाने का है। हम यहां पर एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं और भारत के बाहर मैं मेरे पास सारे सबूत है कि सारे ब्राह्मण्स वहां पर जाकर खुद को बुद्धिस्ट बताते हैं और बुद्धिस्ट कंट्रीज से अप्रोच करके वो यहां पर ब्राह्मणिकल सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। तो हम लोगों को अब अपने ईगो छोड़कर बाबा साहब ने हमको बुद्धिज्म दिया कि उस समय ये अपनी खुद की ओरिजिनल संस्कृति हम लोगों को दे दी। आज उस बुद्धिज्म की हालत क्या है भारत में, मैंने गाजियाबाद में जब वाल्मीकि लोगों की बौद्ध धर्म की दीक्षा करवाई मेरे ऊपर वहां पर एलिगेशंस शुरू हो गए और लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतर विरोधी कानून यूपी में पास हो गया। हमारे साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या कम है, हमारे मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारा सपोर्ट किया लेकिन हमारे लोग एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक दूसरे के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस को पढ़कर हम लोगों को वो सिस्टम हम लोगों को खड़ी करनी होगी। आज इतने ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस है। जैसे दुबई से एक गेस्ट बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इतनी करोड़ हमारी इकोनॉमी है लेकिन इस इकोनॉमी में हम लोगों को इसको और दुगना करने के लिए वो सिस्टम बनानी होगी। नौकरियां खत्म हो रही है, ये जो रिजर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बात करने शुरू कर रही है, लोगों में रिजर्वेशन के खिलाफ नफरत भर रखी है लेकिन आपको आज पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं। मैं अभी 4 या 5 तारीख को मैं 5 दिन के दौरे पर था जहां पर मैं अकाल तख्त के चीफ से मिला, मुस्लिम्स के चीफ से मिला, उन लोगों को मैंने ये सब बताया पब्लिक सेक्टर्स किस तरह से बेचे जा रहे हैं और किस तरह से फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके ये फैसिज्म को लागू करना चाहते हैं। तो अलग अलग रिलीजन के लोगों को भी हम लोग एक लेकर आ रहे हैं, माइनॉरिटीज को एक लेकर आ रहे हैं। हम लोगों को अभी बहुत सारे स्पीकर्स ने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट से अब मूव करके बुद्धिस्ट आइडेंटिटी की ओर हम लोगों को बढ़ना होगा। बाबा साहब ने हमको वो बुद्धिस्ट आइडेंटिटी दी है कि अगर इंडिया मैं आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाएगी तो आपको ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। और हमने ये देखा है कि सतपाल ममन जी ने जब मैं लंदन से वॉशिंगटन जा रहा था तब उन्होंने मुझे बताया कि आप वहां पर जा रहे हो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मिलने को जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना, उनको मेमोरेंडम देना। और डॉक्टर सतपाल ममन जी ने उनके घर पर बैठकर ये मेमोरेंडम तैयार किया, 5 पेजेस का मेमोरेंडम तैयार किया जो मैंने वॉशिंगटन डीसी में यूएससीआईआरएफ के ऑफिस में सबमिट किया। 1.5 घंटा 2 घंटा हमारी मीटिंग चली, उसका परिणाम ये हुआ कि 4 महीने में ही 3 सैंक्शंस
मोदी गवर्नमेंट के ऊपर आ गए थे और जो यूएससीआरएफ के रिपोर्ट में भी उन्होंने दर्ज किया है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के मोदी, मैं इंडियन गवर्नमेंट नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि अब ये भारत सरकार रहा नहीं है, ये मोदी सरकार बन गया है। तो इस मोदी सरकार में आप किसके पास जाने वाले हो? सुप्रीम कोर्ट, क्या प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इस देश का आरएसएस के लोगों के पैर पड़ रहा है, किससे उम्मीद करोगे आप? और इसलिए हम लोगों को भारत के बाहर से आंदोलन खड़ा करना होगा। और ये एक अच्छी शुरुआत मैं देख रहा हूं कि पिछले एक दो सालों से भारत की आवाज, भारत की समस्या के ऊपर, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, यूनाइटेड नेशंस हो, यूएससीआरएफ हो, अलग अलग जो संस्था इंडिया के बाहर है, वो हमारी आवाज बन रही है। यहाँ कितना भी आंदोलन कर लो, हमारी आवाज यहाँ पर दबाई जाती है। इंडियन मीडिया हमको पाकिस्तानी बता रहा है, देशद्रोही बता रहा है, नक्सलाइट बता रहा है, इस तरह से इंडियन मीडिया हमारे लिए काम कर रहा है। हमारे लिए यूएपीए जैसे कानून इन्होंने बना दिए हैं। तो इंडिया के बाहर से भी हमको आवाज मजबूत करनी होगी। और आज मैं खास, एक्चुअली मेरी फिजिकल कंडीशन इतनी नहीं थी कि मैं आज इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर पाऊं, लेकिन ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैं नहीं छोड़ना चाहता था अपनी बात, और आप लोगों की बात भी मुझे सुननी थी। तो बाबा साहब की ये आज बर्थ एनिवर्सरी, हम 130th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, मैं इतना ही चाहूंगा सिर्फ बाबा साहब, देखिए मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कि असली बाबा साहब, बाबा साहब के बुक्स, बाबा साहब के राइटिंग स्पीचेस, बाबा साहब के थॉट्स, ये आरएसएस के हाथ में है। हमारे हाथ में तो सिर्फ फोटो दे दी है, हमारे हाथ में मूर्तियां दे दी है कि जाओ बाबा साहब की जयंती मनाते रहो, जाओ बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन मनाते रहो, बाबा साहब का दीक्षा डे मनाते रहो, और बाबा साहब के थॉट्स पर, राइटिंग एंड स्पीचेस पर ये लोग काम कर रहे हैं। और बाबा साहब के, आरएसएस के पास इतना बुद्धि नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, गोलवलकर के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो अपने लोगों को, अनुयायियों को मार्गदर्शन करके जाए। ये तो बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस का बेनिफिट अपने सिस्टम को खड़ा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब हमको बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस थॉट्स का बेनिफिट अपने कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज को, इसको डेवलप करने के लिए बाबा साहब, और बाबा साहब के राइटिंग स्पीचेस में सारे सॉल्यूशंस है। हम लोगों को इतना, बाबा साहब ने इतना भी काम नहीं रखा कि आपको कुछ सोचना है, बाबा साहब के पॉलिसीज को भी अगर हम इंप्लीमेंट कर पाए 10 सालों में, ये कम्युनिटी वर्ल्ड की कम्युनिटी हो सकती है। इतना हमारे पास रिसोर्सेस है, मैन पावर है, सब है, सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज करने की देरी है और बाबा साहब के थॉट्स पर चलने की देरी है। तो मैं आज, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है, तो 130th बर्थ एनिवर्सरी बाबा साहब की ये आप आज हम लोग मना रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि असली ट्रिब्यूट बाबा साहब को यही होगा कि बाबा साहब के किसी भी थॉट पर, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल, तो मैं देख नहीं रहा हूं कि कोई बाबा साहब के पॉलिटिक्स के ऊपर भी कोई काम हो रहा है भारत में, लेकिन जब रिलीजियस, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, ये सारी मूवमेंट जब खड़ी हो जाएगी, तो इस देश का पॉलिटिक्स भी बाबा साहब के विचारों के ऊपर एक ना एक दिन आ जाएगा। तो हम लोगों को नॉन पॉलिटिकल विंग्स जो बाबा साहब की है, बाबा साहब के विचारों पर है, वो हम लोगों को मजबूत करनी होगी। मैं आज डॉक्टर सतपाल ममन जी, शेखर जी, प्रेमान जी, पीयूष जी, आप सभी लोगों को देखकर एक बार फिर बहुत आनंद आया कि वो सारे यादें ताजा हो गई। लेकिन मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि हमारी आवाज तो भारत में दबाई जा रही है, हमारी आवाज को कहीं यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई भी, चाहे वो आपका एमएलए हो, एमपी हो। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मनीषा वाल्मीकि के बारे में। हमने उसकी हत्या, सामूहिक बलात्कार, ये सब आपको पता है, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मनीषा वाल्मीकि जहां रहती है, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए, एमएलए भी वाल्मीकि समाज का है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वाल्मीकि समाज का है। तो आप सोचिए, वाल्मीकि एमपी है, वाल्मीकि एमएलए है, फिर भी एक वाल्मीकि लड़की को न्याय नहीं मिलता, तो किस तरह का पॉलिटिक्स हमारे साथ है, या किस तरह की न्याय व्यवस्था हमारे आज
भारत में हो गई है, तो इन लोगों से हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारी आज एक ही उम्मीद है और वो है आप लोग जो भारत के बाहर बैठे हैं, भारत के बाहर चाहे वो कोई भी संस्था हो, USCIRF हो, UN की जो अलग अलग बॉडीज बनी है वो हो, या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बॉडी हो, हम लोगों को अपनी आवाज, भारत की आवाज, भारत के लोगों की आवाज, जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनकी आवाज यहां तक पहुंचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ी सहायता आप लोगों से मिलने वाली है। तो मैं इतनी बात कहता हूं और बाबा साहब को ट्रिब्यूट देता हूं उनके विचारों को। और सही में मैं कल जो दृश्य मेरे साथ हुआ, मेरे आंखों में पानी आ गया कि एक 100 साल के अंदर ही कितना बड़ा बदलाव हो गया कि आज अंबेडकर के घर में एक शर्मा नाम का ब्राह्मण जमीन पर बैठता है और हम सोफे पे बैठते हैं। ये केवल बाबा साहब के उस आंदोलन की बदौलत है कि आज इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि ये जो सिस्टम है ये उल्टी हो गई है। और मेरे ख्याल से इसी वजह से संविधान से नफरत इस देश की जो मोदी गवर्नमेंट है ये करती है, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम इसी वजह से संविधान से नफरत करती है। ये संविधान हम लोगों को अधिकार देता है तो ये अधिकारों को बचाने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और ये अधिकारों के तहत जब तक ये अधिकार हमारे साथ है, हमारे पास है, तब तक हम लोगों को अपनी सिस्टम बना लेनी चाहिए। यही कहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम जी, राजरतन जी, सो थैंक यू सो मच। डिस्पाइट योर इल हेल्थ विद द कोविड वायरस, योर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन इज वेल एक्नॉलेज्ड एंड वी ओनली प्रे दैट यू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर फैमिली and that you recover very speedily from this virus contraction that you have got. And thank you so much for coming together today. And at the same time, let me extend our deepest gratitude and thanks to all